Welcome to Gyan Bindu. Hello viewers, in this video I am going to explain Chapter 3, Class 8, Exercise 3.3, question number 9 to 12. Question which is given that in the figure both risk and clue are parallelogram. Find the value of x. यहाँ देखने में यहाँ पर एक आपके बुक में ही गिवेन है एक फिगर है ना इस टाइप से और वो इस फिगर ये देखने में फिगर क्या लग रहा है कि एक फिगर है बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो बल पैरेललोग्राम बना हुआ है तो मैं उसे आपको कैसे बताती हूँ कि एक बता रहा है कि रिस्क आर आई एस के रिस्क अगर इसे आप इस तरीके से कवर कर देते हो सपोज दैट इधर मैंने कवर कर दिया तो देखो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिखने लगा दूसरा है क्लू आप इसे कवर कर दो तो देखो उधर एक पैरेललोग्राम दिख रहा है तो इन दोनों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और यूज करते हुए एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे देन सॉल्व फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल के क्या है 120 डिग्री ये 120 डिग्री है तो इट मीन्स ये एंगल जो होंगे ये वाली एंगल वो क्या होगा इक्वल होगा क्यों बिकॉज ये 120 ये है उसका ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल ये अगर 120 है तो ये वाली एंगल सम ऑफ क्या हो जाएगा ये इसका एडजेसेंट एंगल बनेगा इसका एडजेसेंट एंगल बनेगा तो इस एडजेसेंट एंगल की वैल्यू जो होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके सबसे पहले हम एंगल एस को निकालते हैं देन सबसे पहले लिखेंगे एंगल आई आई इक्वल टू 120 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है तो हम उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करते चले जाएंगे एंड नेक्स्ट में लिखेंगे एंगल आई प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ क्या लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी की यूज किया तो एंगल आई हमें निकालना है एंगल एस इक्वल टू हाँ एंगल आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एंगल आई की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंगल एस जो आ गए वो आ गए हमारा 60 डिग्री अब हम दूसरे साइड चलते हैं अब इस पैरेललोग्राम को लेते हैं तो इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये इसका ऑपोजिट एंगल है और वो क्या होंगे इक्वल होंगे एंगल ई इक्वल टू 70 डिग्री ओके क्या लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज दैट इसका ओ नाम दे दिया है तो ये अगर O है तो ये ट्राइंगल बन रहा है ई ओ एस एक ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पे आप लिखिए एंगल X एंड एंगल E एंड एंगल S इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक ट्राइंगल बन रहा है 180 डिग्री इसकी वैल्यू होगी तो दो की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की को लेकर के देन लिखेंगे देन एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ई क्या है 70 डिग्री प्लस एंगल एस एस क्या है 60 डिग्री ई 70 और ये 60 डिग्री ओके एंड प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री
then angle x equal to 180 degree minus 60 and 70 को जो plus करोगे तो 130 degree आएंगे. तो angle x की जो value है, angle x equal to 50 degree. तो इस तरीका से कई एक property को use करके parallelogram की जो भी value हमें find कर दी हो उसे हम find कर सकते हैं. Question number 10, which is given, explain how this figure is a trapezium. हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है और बताना है कि हम कैसे बोलेंगे कि ये फिगर जो है वो ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी को लेंगे, आसान सी बात. तब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट जो भी जो कि एक दूसरे का पैरलर हो. यहाँ पे क्या है कि एम एल और के एल एक दूसरे के पैरलर है, पैरलर साइड के साइड से. ऐसा नहीं है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल जो है वो पैरलर होंगे, नहीं हो, सॉरी 180 के बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो पैरलर ऑपोजिट, ये अपोजिट साइड का जो पैरलर लाइन है. तो भी हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एन एम पैरलर के एल है. एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 100 डिग्री प्लस में 180 डिग्री. सबसे पहले तो ऐसे लिख दूं मैं, एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी है उसे फॉलो, ऐसा नहीं हमें तो बताना ही है कि ट्रेपेजियम है ये. तो ये अगर ये पैरलर है तो पैरलर साइड वाले जो एंगल्स होते हैं उनकी सम अगर 180 हो तो वो एक ट्रेपेजियम कहलाता है. तो हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ रहे हैं. तो अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना. ये इनका जो इंटीरियर एंगल जो है वो उनकी सम जो है वो 180 डिग्री है. तब वी कैन से, मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि के एल एम एन जो है वो एक क्या है, ट्रेपेजियम है. सो वी कैन से दैट के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजर एंगल सी. ये एंगल सी हमें फाइंड करना है फिगर में जो गिवन है, ए बी, जब ए बी जो है वो डी सी के बराबर हो. तो यहाँ पे ट्रेपेजियम ऑलरेडी दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है. इट मीन्स क्या है, ये ट्रेपेजियम है और इनके नॉन साइड, सॉरी ये नॉन इक्वल साइड्स जो है ये क्या है, बिल्कुल इनका साइड जो है वो इक्वल नहीं है. दैट्स वाई क्या कह सकते हैं, सिंस ए बी पैरलर बी सी गिवन फिगर इज अ ट्रेपेजियम. ओके, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमने लिया. तो एंगल बी विच इज गिवन 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. देन आगे बढ़ाते हैं, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. लास्ट पार्ट विच इज गिवन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी. एंगल पी, ये एंगल हमें फाइंड करनी है. एंड एंड सॉरी यहाँ पे मैंने एंगल एस ले लिखा, एंगल एस ये वाली एंगल हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे भी गिवन है कि एस पी और आर क्यू जो है ये क्या है, पैरलर है. यहाँ पे भी लिख देंगे सॉल्यूशन में, since SP
parallel RQ given figure is a trapezium. Okay, therefore angle Q plus P, angle Q plus angle P equal to 180 degree, bracket में लिखेंगे property of trapezium, then angle P निकालना है, angle P plus 130 degree equal to 180 degree, then angle P equal to 180 degree minus 130 degree, angle P equal to 50 degree. Angle P क्या आया? 50 degree आया. और पूछा जा रहा है कि angle S क्या होगी? तो ये भी क्या है? Parallel side के जो है adjacent में है. That's why ये भी इनका भी property same ही आएगा. अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको. Okay? Then angle R. और इस साइन में अगर स्क्वायर साइन में कहीं भी दिया हुआ होता है, एक एंगल की साइन इस तरीका से किया होता है, उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री. देन एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री एंड वही प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम. देन एंगल R विच इज 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री. Then angle S equal to 180 degree minus 90 degree. Then angle S equal to 90 degree. So find हो गया angle S भी और angle P. इस तरीके से इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अगर property पता हो तो कुछ भी पूछ दे, कोई भी angle हम कोई भी property को use करके उसे find कर लें. वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.